नमस्कार एंड वेलकम, मैं हूं जया सिन्हा और एक बार फिर हाजिर हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम रंग तरंग में। जी हां, आपका बहुत बहुत स्वागत है रंग तरंग में, जिसमें अगले आधे घंटे में हम कोशिश करेंगे कि अपने देश की कला और संस्कृति के विभिन्न इंद्रधनुषी रंगों को समेट कर आपके सामने पेश कर सके। रंग तरंग में आज बहुत कुछ होगा और साथ ही याद करेंगे हम मशहूर लेखक, पत्रकार और हर दिल अजीज व्यक्तित्व के मालिक खुशवंत सिंह को, जिन्होंने इसी हफ्ते इस संसार को अलविदा कह दिया। रंग तरंग में आज वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल पर हमारी खास पेशकश होगी, तो वहीं आपकी मुलाकात कराएंगे रोमियो और जूलियट से। आपको ले चलेंगे मुंबई, जहां फैशन वीक की धूम में हमारी सिने अभिनेत्रियां भी रैंप पर इन्होंने धमाल मचाया, तो वहीं हमारे खास मेहमान से भी होगी मुलाकात। तो देर कैसी, आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। अगर आप इन दिनों दिल्ली में हैं, तो आप लुत्फ उठा सकते हैं पहले वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल का। संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित इस महोत्सव में 23 देशों से आए एक से बढ़कर एक कवि भाग ले रहे हैं। देर मत कीजिए और जल्दी से आइए और हिस्सा बनिए सबद का। इस वक्त कविता नहीं सुन सकते हैं वो जो सोचते हैं खाए हुए पेट से। यह वक्त वक्त नहीं, एक मुकदमा है। या तो गवाही दे दो या हो जाओ गूंगे हमेशा हमेशा के वास्ते। देश की राजधानी दिल्ली शुक्रवार को गवाह बनी देश के पहले विश्व कविता उत्सव की। एक ऐसा मंच जहां विश्व भर के 23 देशों के जाने माने 45 कवि और 30 ऑब्जर्वर शिरकत कर रहे हैं। अलग अलग भाषाओं की रचनाओं को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके भी प्रस्तुत किया जा रहा है। An old woman will tell stories about us in the waiting room every morning. Even what I'm saying has been said already. We are waiting for the wind like two flags on the border. कविता के कई रंग हो सकते हैं, और जहां ज्यादातर कवि सम्मेलनों में व्यंग कविताओं का जोर रहता है, ये उत्सव आपको एक अलग दुनिया में ले जाएगा, जहां आप अपने मन, अपनी सोच, अपनी करीबी दुनिया, अपनी और अपनों की भावनाओं को कविताओं के माध्यम से महसूस कर सकते हैं। कविता शब्दों का दुनिया के किसी भी सिरे पे आदमी को आदमी से शब्द ही जोड़ रहा, तो ये शब्द का उत्सव है। So many poets from all over the world were brought together, and from what I have heard, the readings are really interesting, and I think the composition of all the poets is amazing. झुंड नहीं है, वो शब्दकोश से आई हुई चीज नहीं है, वो जिंदगी से आई हुई धड़कनों का काम है। भारत में कभी विश्व कवि सम्मेलन मतलब वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल कभी नहीं हुआ इस स्तर पे। इसी उद्देश्य से हम लोग पिछले 1.5 साल से हम कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों को तो बहुत ही मतलब खुशी होती है कि इतना शॉर्ट नोटिस में इतना इम्पोर्टेंट कवि लोग मिला है। हमारी भागदौड़ में जुटी, डेडलाइन से निपटती, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी दुनिया से लीजिए छोटा सा ब्रेक और शिरकत करें इस वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में। क्या पता आपको भी अपनी सोच को कविताओं में ढालने की प्रेरणा ही मिल जाए। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इन भाषाओं के शब्दों में पिछली मानवीय संवेदनाएं एक ही होती हैं। और इस वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में कवि जो कि 23 देशों से आए हैं यहाँ पर, वो इसी मानवीय संवेदनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अलग अलग अंदाज में, और ये चलेगा 24 मार्च तक। तो इस वर्ल्ड पोएट्री फेस्टिवल में आप भी शिरकत कर सकते हैं। ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज। भाई, मुझे ये लव स्टोरीज बहुत पसंद है। यकीन है कि आपको भी ये प्रेम कहानियाँ, ये लव स्टोरीज बहुत रोमांचक करती होंगी। ही रांझा, सोनी महिवाल, रोमियो जूलियट, जहाँ ये शब्द ही ऐसे हैं कि बस अपने आप ही माहौल में रोमांस भर जाता है। और अगर रोमियो जूलियट की प्रेम कहानी अगर ओपेरा स्टाइल में देखने को मिल जाए तो क्या कहने। भाई, राजधानी दिल्ली में ऐसा ही हुआ, जब 100 से ज़्यादा भारतीय और यूरोपियन कलाकारों ने ओपेरा की अद्भुत शैली में रोमियो जूलियट की अमर प्रेम गाथा को एक बार फिर जीवित कर दिया। प्यार का जिक्र आते ही रोमियो एंड जूलियट का नाम सबसे पहले जुबान पर आता है, और अगर प्यार की ये दास्तां आंखों के सामने हो तो कहना ही क्या। ऐसा ही एक नज़ारा देखने को मिला दिल्ली के कमानी सभागार में, जो प्यार के इन खूबसूरत पलों को पेश किया गया। नीमराना म्यूजिक फाउंडेशन और यूरोपियन यूनियन ने ICCR के सहयोग से इस ओपेरा की पेशकश की। ओपेरा नृत्य और संगीत की शैली है, जिसमें 100 से ज्यादा कलाकार एक साथ शामिल होते हैं। रोमियो के किरदार में अमर मुचल्ला ने हमें बताया कि कैसे वो ओपेरा की इस शैली से प्रभावित हुए और इससे आज जुड़े। रोमियो का रोल जो है, विच इज अ ड्रीम ऑफ एनी टेनर, एनी सिंगर,
और काफ़ी डिफिकल्ट रोल है। ओपेरा में एक्टिंग से ज्यादा संगीत पर जोर दिया जाता है और ये काफी मुश्किल भी होता है, लेकिन इसमें भी उत्तर पूर्व से टीवी के एक रियलिटी शो पर पहुंचे तोशनबोंग सिंह नोंगबेट कई भारतीयों में से एक हैं जो इसमें रोमियो के एक दोस्त का किरदार निभा रहे हैं। In Shillong we only had like a few people who tried to uplift. So basically I feel, you know, like it's been quite a struggle for me to actually be on stage here right now. Till I was 17 I didn't even know I could sing opera. So I'm really, I have no one else to thank but my parents and God obviously and everybody who's always stuck around. Halanki Bharat mein opera zyada prachalit nahi hai, lekin Neemrana Musical Foundation dwara ye ek achhi koshish hai aur ye darshakon ko aakarshit karne mein kamyab bhi hui hai. ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए अब आपको ले चलते हैं फैशन की चकाचौंध से भरी दुनिया में। मुंबई में हुआ फैशन वीक तो हमारी सिने हसीना है, जी हाँ, हमारी बॉलीवुड की एक से बढ़कर एक हसीना है रैंप पर उतरती नजर आई। करीना कपूर खान, सोनाक्षी सिन्हा, नेहा धूपिया, प्रियंका चोपड़ा, एलिना डी क्रूज, कभी पारंपरिक परिधानों में तो कभी फ्यूजन वेयर में इन्होंने रैंप पर अपना जादू बिखेरा। सोनाक्षी सिन्हा ने किया मुंबई फैशन वीक का धमाकेदार आगाज। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के समर कलेक्शन अ समर अफेयर में पारंपरिक के साथ साथ फ्यूजन वेयर दोनों ही देखने को मिले। कलेक्शन काफी क्लासिक और वेयरेबल रहा। बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन था, बहुत यंग फ्रेश समरी एंड आई ओपन द शो एक्चुअली सो इट वाज क्वाइट नाइस। इस फैशन वीक में देश के लीडिंग डिजाइनर्स एक साथ आए, लग्जरी ग्लैमर और स्टाइल के साथ भारतीय फैशन को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पेश करने के लिए, और उनका साथ दिया बॉलीवुड की लीडिंग लेडीज ने जिन्होंने रैंप पर खूब जलवा बिखेरा। तो वहीं एस डिजाइनर पायल सिंघल के कलेक्शन में फ्रेंच मोरक्कन कल्चर और आर्किटेक्चर को फिर याद किया गया। ब्रोकेड, स्टाइलिश लिनन और सिल्क के सॉफ्ट शेड्स को शामिल किए गए इस कलेक्शन को नाम दिया गया लेडी सहारा। पायल सिंघल की शो स्टॉपर रही बॉलीवुड ब्यूटी नेहा धूपिया, जो सुनहरे और काले रंग की लिनन स्लीवलेस लॉन्ग शिफ्ट लेयर ड्रेस में रैंप पर उतरी। फैशन वीक के चौथे दिन अंजू मोदी ने अपना कलेक्शन पेश किया जिसकी थीम थी सीकिंग पैराडाइज। रैंप पर बिछी आर्क लाइट्स के साथ रंगों का बेहतरीन मेल, यहाँ कारीगरी में उटोपियन संस्कृति की झलक नजर आई। शो स्टॉपर रही मलाइका अरोड़ा खान, जो ब्लू ग्रे शेडेड एम्पायर लाइन नेट गाउन में एकदम मलिका ही लग रही थी। रॉकस्टार फेम्ड एक्ट्रेस नरगिस फकरी भी क्रीम विल पावर नेट गाउन के साथ रैंप पर रॉकस्टार ही नजर आई। साथ ही डिजाइनर शहला खान ने अपने रिच फैब्रिक्स और गहरे रंगों के साथ अर्ली 70s के ग्लैमर को रैंप पर पेश किया। एलेना डी क्रूज ने सीक्वेंस से जड़े क्रीम और पीच टोन्ड लहंगे में डिजाइनर अनुश्री रेड्डी का कलेक्शन द टेल ऑफ अ बो रैंप पर पेश किया। रेड्डी के कलेक्शन में इंडो वेस्टर्न स्टाइल के क्रॉप ब्लाउजेस, लहंगे, अनारकली ड्रेसेस, गाउन्स, पैंट्स और कवर अप्स को शामिल किया गया। जरदोजी, मोती और ब्लिंक सीक्वेंस के ज्यादा इस्तेमाल ने चमक को और भी बढ़ा दिया। आगाज धमाकेदार था तो आखिरी दिन भी रहा ग्रैंडर और ग्लिटर के नाम। फैशन वीक के आखिरी दिन बॉलीवुड डीवा करीना कपूर खान ने डिजाइनर राजेश प्रताप सिंह डिजाइन काले लिबास और बिना किसी एसेसरी के गजब ढा दिया। They give me the opportunity to not just feel like a star but to feel like a model. It's my moment in the year which I really look forward to. But I think this time was really special. I could feel the entire stage was on fire, not because of the pyros but because of Rajesh Pratap's clothes.
करीना ने काले लिबास में वाहवाही लूटी तो प्रियंका चोपड़ा ने गुलाबी रंग में कमाल कर दिया। डिजाइनर अनीता लूला की माने तो प्रियंका चोपड़ा का अंदाज ही उनके कलेक्शन को बखूबी रिप्रेजेंट करता है। समर रिजॉर्ट 2014 फैशन लवर्स के लिए बेहतरीन रहा क्योंकि इसमें कपड़ों के साथ साथ लग्जरी और ड्रामा का भी भरपूर डोज दिखा। भारतीय पत्रकारिता के ग्रैंड ओल्ड मैन खुशवंत सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। खुशवंत सिंह का सफर तो थम चुका है, लेकिन उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए राजनीति और साहित्य जगत से जुड़ी तमाम हस्तियां उमड़ पड़ी। अपनी बेबाकी और जिंदा दिली के लिए पहचाने जाने वाले खुशवंत सिंह ने अपनी दोनों आंखों को मरणोपरांत दान देने का निर्णय लिया था। उनको जानने वाले हर शख्स के दिमाग में, जहन में अब सिर्फ एक ही लाइन बार बार आउट रही है, आपकी बहुत कमी खलेगी खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह भारत के प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक, उपन्यासकार और इतिहासकार। एक पत्रकार के रूप में उन्हें बहुत लोकप्रियता मिली। उन्होंने पारंपरिक तरीका छोड़ नए तरीके की पत्रकारिता शुरू की। खुशवंत सिंह ने कई अमूल्य रचनाएं अपने पाठकों को प्रदान की हैं। दिल्ली, ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वुमन और भी अनगिनत। इसके अलावा उन्होंने लगभग 100 महत्वपूर्ण किताबें भी लिखी। अपने जीवन में सेक्स, मजहब और ऐसे ही विषयों पर की गई टिप्पणियों के कारण वे हमेशा आलोचना के केंद्र भी बने रहे। वो मेरे प्रोफेसर थे लाहौर में, मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था तो मुझे कंपनी लॉ पढ़ाते थे। तो उस बात को 75 साल से ज़्यादा हो गए, तब से हम एक दूसरे के करीब रहे। उन्होंने कुछ ऑथर ज़्यादा बन गए जर्नलिस्ट की बजाय, और उन्होंने वो जो किताब लिखी सिख हिस्ट्री, जो कि एक बड़ी अथेंटिक बुक है। और उनकी अगर यादें हैं तो ये मेरे इलस्ट्रेटेड वीकली को उन्होंने एक नया रूप दिया था। उन्होंने इलस्ट्रेटेड वीकली जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया। देश के जाने माने लेखकों व पत्रकारों में अपना अलग स्थान बनाने वाले जिंदादिल इंसान के रूप में विख्यात खुशवंत सिंह ने बंटवारे जैसे बेहद गंभीर विषय पर एक पुस्तक ट्रेन टू पाकिस्तान लिखकर लोगों को अपने कलम की जादूगरी से अभिभूत कर दिया था। उनके समकालीन विषयों पर हास्य व्यंग के पुट से भरे स्तंभों को लोगों ने काफी पसंद किया। हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं कि कला और सांस्कृतिक जगत की मशहूर हस्तियों से आपकी मुलाकात करवा सकें। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने शास्त्रीय संगीत से अपने अनूठे रुझान और लगाव के चलते, अपनी रिसर्च के चलते कोशिश की है कि किस तरह से शास्त्रीय संगीत और लोकप्रिय संगीत के बीच के ब्रिज को, बीच के फासले को पाटा जा सके और युवाओं के बीच शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाया जा सके। हमारे साथ हैं म्यूजिकोलॉजिस्ट KL पांडे। हिंदी फिल्म संगीत हम सभी के जीवन का बहुत ही अटूट हिस्सा है, लेकिन अगर मैं आपसे आप पूछूं कि क्या आपको अब तक जितने गाने रिलीज हुए हैं हिंदी फिल्मों में, क्या सभी के बारे में आपको जानकारी है? कौन कौन सी फिल्म में गया है, ब्लैक एंड व्हाइट एरा या कलर एरा? सवाल थोड़ा मुश्किल हो गया ना। लेकिन एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें 1931 से लेकर 2014 तक हर रिलीज हुए गाने के बारे में जानकारी है। जी हाँ, हर रिलीज हुए गाने के बारे में। और इनके चाहने वाले इन्हें हिंदी फिल्म म्यूजिक का इंसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। और आज ये शख्स आज हमारे साथ मौजूद है। हम बात कर रहे हैं आर्टिस्ट और म्यूजिकोलॉजिस्ट मिस्टर KL पांडे की। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका डी न्यूज में हमसे बातचीत करने का। शास्त्रीय संगीत से आपका बहुत जबरदस्त लगाव है और ये आपके जितना जो रुचि है उसमें झलकता है, और शास्त्रीय संगीत को आपने विकसित करने के लिए आपने हिंदी फिल्म संगीत को चुना, वो क्या राज है? ये अनोखे अंदाज की पहले शौक की शुरुआत कैसे हुई, सबसे पहले हम बात करेंगे।